राम राम भैया, आज मैं आपके लिए एक बने हुए ब्लाउज में डिजाइन डालकर दिखाएंगे कि बने हुए ब्लाउज में डिजाइन कैसे डालते हैं। उसके लिए हमने ये एक पट्टी ली है। वैसे तो बहुत ढेर सारी डिजाइनें ऐसी हैं जो आप बने हुए ब्लाउज में बना सकते हैं, मगर हम आपको एक डिजाइन बता रहे हैं जो अभी ट्रेंडिंग में बहुत चल रही है। वो डिजाइन ये देखिए, पट्टी हमने बना ली है, उसको पलट लिया है। पलटने के बाद में इसे हमने प्रेस से सीधा कर लिया है। सही, जो जोन टाइप हमने बीच बीच में कर रखा है। ये देखिए, पट्टी हमने पहले से बनाकर रेडी रख ली है, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से हमने इस पट्टी में जो प्लेटें डाल रखी हैं, ये देखिए, हमने थोड़ा स्पीड करके ये वीडियो बनाया है, जिससे कि आपका कम से कम समय लगे और आपको पूरी डिजाइन देखने को मिल जाए। तो ये हमने प्लेटें डालकर पट्टी बना ली है। अब इसको फ्रेल को लगाएंगे हम गले के आसपास। सबसे पहले से सेट कर लेंगे और इसको हम बहुत ही अच्छी तरीका से सेट करेंगे। देखिए किस तरीके से सेट करें, और ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर तैयार होगी। आप शुरू से एंड तक देखिए वीडियो हमारी। उस पट्टी को हम फ्रेल को फोल्ड करके लगाएंगे, थोड़ा सा मोड़ के इस तरीके से, और जहाँ से हमारी कंधी है तो वो कंधी से बैक साइड में लव की सिलाई लगा देंगे इस पे। तो दोस्तों, वीडियो हमारी आपको पसंद आ रही होगी, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि हमने इसमें कोई ज़्यादा लमजेड़ नहीं बनाई है, खास खास चीज़ दिखाई है। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर मार देना, और ज़्यादा ही पसंद आए तो अपने मित्रों को भेज देना, जिससे कि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। जिसे बोलते हैं शेयर करना, तो आप शेयर भी कर दें हमारी वीडियो। तो ये देखिए, हमने गले के चारों तरफ ये लगा दिए बैक साइड में। इसमें गला था मटके वाला गला था, सादा सिंपल, ना ज़्यादा मटका ना ज़्यादा गोल, हल्का सा गला मटका की शेप थी इसमें। तो उसी पर हमने ये डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाई है। ये देखिए, उसी तरीके से फोल्ड करके हमने इधर भी कर दिया है, और ये हमारी बनकर तैयार हुई है डिज़ाइन। अभी ये कंप्लीट डिज़ाइन नहीं हुई है, ये अभी डिज़ाइन सादा बनी है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये देखिए। नहीं तो अब इसमें हम फोल्ड करके इसमें लगाएंगे मोती। ये देखिए, हर एक कोना पकड़ के हमने इसमें मोती लगा दी है। एक इधर का कोना, एक उधर का कोना पकड़ के हमने मोती लगा दी है। ये देखिए, बहुत बारीक काम हो जाता है, इस वजह से हमने वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसमें आपको नहीं दिखाया है, बनाकर उसके बाद में आपको डायरेक्ट दिखाया है, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखिए, इस तरीके से हमने ये कोने पकड़ के इसमें एक एक मोती लगाकर स्टिचिंग कर दी है, और इसके बाद में इसकी डिजाइन ये रेडी हुई है। तो देखिए कितनी सुंदर डिजाइन लग रही है। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, और लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से टाटा बाय बाय। खुश रहें, मस्त रहें, और वीडियो देखते रहें।